बहुत बढ़िया निकल। तो काफी मशक्कतों के बाद हमारी आर्मी वालों ने एक नया रास्ता बनाया इधर से, पहले ये वाला था एक, ये दूसरा बनाया। ये चलो चालको चालको उतरा। तो गाइस लंगर हमने खा लिया है, मत्था भी टेका नहीं है, गुरुद्वारा ही रहा गुरुद्वारा साहिब। हम पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं झील, ओ क्या कहते हैं, सरोवर की तरफ, सरोवर की तरफ नहाने। और ये देखिए हमारे बाबा हेमकुंड साहिब, देखो देखो की नजारा है इत्थे दा। और इत्थे वो है क्या कहते हैं, देखिए सारी बर्फ हैगी इत्थे। गाइस अब हम जा रहे हैं सरोवर की तरफ, मुकुल पंडित और वो ये दोनों तो पहुंच चुके हैं सब सरोवर की तरफ, अब हम लोग जा रहे हैं और मे भी हम आम सरोवर में स्नान करेंगे। गाइस ये है सरोवर, अब हम यहाँ पर नहाएंगे और नहाने के बाद उसके बाद दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। और नज़ारा तो आपको यहाँ का दिख ही रहा होगा, ये सामने पूरा ग्लेशियर है, सामने आप वाटरफॉल देख रहे होंगे, ये रहे। गाइस अब हम नहा रहे हैं सरोवर में, कपड़े उतार दिए हैं मैंने, अजय ने भी उतार दिए हैं, मुकुल का इंतजार है बस, दाऊद तो नहाएगा नहीं। और शुभम पंडित जी, हाँ जी, थोड़ा जाऊँ अंदर, एक दो कौन साइड से नमन करन चले हैं, जेड़ा की पानी माइनस 10 है का, माइनस 25, ओ सरोवर दा माइनस 10 है, बाहर दा नहीं है सरोवर दे। हाँ जी मगर सरोवर की गल कर रहे हैं, देर देखी चक्कर ना आ जाए। चल चल कोतर, चलो चल चल कोतर, तो उससे कह रहा अभी कि भाई चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, चल कोतर, अरे चल कोतर, वो पंडित देख मुकुल इतने दिखा दे सकल अपनी, ओए ड्रामे, ये कुतरा अच्छा लग रहा है पीछे से कुतरा। टिप्स ले दियो, अरे तेरे स्लिप डिस्क सही हो जाएगी, मान मेरी बात यार, जम के पैर यार कर दोगे, अरे तेरी स्लिप डिस्क बढ़िया हो जाएगी मजाक से हटके भाई, कूद चल कुतर, चल कुतर अंदर जा, कुतर कुतर इस ग्लेस बर्फ के सिल्ली पे बैठ जा। चल को उतर, ये बहुत बढ़िया निकल। देखो जी अब मेरा ये दक्ष भाई जा रहा है सरोवर में, आप अपना पवित्र सरोवर में स्नान करेंगे जी, और डेड बॉडी बाहर आएगी, इसके अंदर देखते कितनी देर कितनी देर में बाहर आएगी, जाओ 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 जाइए, लगेगी नहीं लगेगी वो भी एक चैलेंज है, अरे जाइए, अंदर का टेम्परेचर -10 है, जाइए बेहोश हो जाएगा ये। हम लोग नहा लिए यहाँ पर सरोवर में, शायद कपाट बंद हो गए दरअसल, अब नहीं खुलेंगे कल ही, तो किस्मत यही रही कि बाबा जी ने दर्शन दिए बस सरोवर में नहा दिया।
चलो कोई नहीं, इतना बुला लिया बाबा जी ने बहुत है। चलो इधर मैं भी खड़ा हुआ, दक्षा की फोटो ले जाएगा बाकी चारों। चल चला जाना अंदर, हां चल पाला यार मेरा उठे यार मेरे जो भाइयों हमने बस यहीं से मत्था टेक लिया है क्योंकि कपाट बंद कर दिए गए हैं, अब कल ही दर्शन होंगे यहाँ पर। और मैं तो आ जाऊंगा, तू अपनी हिम्मत सोच। कपाट बंद हो गए हैं गुरुद्वारे के और अब हम नीचे उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो लास्ट टाइम है वो 2:30 बजे का है और अभी हो रहे हैं 2:24, तो इसलिए अब जितने भी बंदे हैं ऊपर उन सबको नीचे उतारा जा रहा है। अब चढ़ने में लगाए थे हमने करीब करीब 5 घंटे, अब देखते हैं कि उतरने में हम कितने घंटे लगाते हैं अभी। और पहले जो हम चढ़े थे हम रास्ते से चढ़े थे और अब जो उतर रहे हैं वो इन सीढ़ियों से उतर रहे हैं। और सामने खाई देख लो, नीले वाले ये टेंट दिख रहे हैं ना, उधर ही हमने जाना है लास्ट। और ये 6 से 7 किलोमीटर का वापसी ट्रैक है, तो चलते हैं। और सामने का पहले मंजर देख लो आप, यहाँ से क्या व्यू है यहाँ से, गाइस ये जो सीढ़ियाँ हैं ये सीढ़ियाँ व्यू पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद फिर जो ट्रैकिंग वाला नॉर्मल रास्ता होता है वही शुरू हो जाता है। तो और ये जो सीढ़ियाँ हैं वो 1100 सीढ़ियाँ हैं, इनको जल्दी से जल्दी निपटाना है हमने क्योंकि सारे यार दोस्त मेरे नीचे जा चुके हैं, ऊपर मैं ही बचा हूँ अभी। और हमारे एक और वीर जी हैं जो इधर का ब्लॉग बना रहे हैं। और किधर से आए हो वीर जी? वाहेगुरु जी दिल्ली आया ना। दिल्ली में कौन सी जगह से वीर जी? मैं भी दिल्ली से हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वेस्ट दिल्ली, प्रीत विहार, ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, क्या बात है, ईस्ट दिल्ली बहुत बढ़िया जगह है। तो भाई भी ब्लॉगर है, भाई जी क्या नाम है अपने यूट्यूब चैनल का? मेरे चैनल का नाम है दमन सेठी। दमन सेठी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, भाई को भी करें क्योंकि भाई मेहनत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई को भी सपोर्ट करें और भाई को ज्यादा सपोर्ट करें। हमें भी करा रहे यार, हमें भी करना चाहिए। हेलो, हाँ जी, एक और फैमिली देखो, ये सारी जितनी अभी इधर मिल रही है ना सारी फैमिली है। भाई सबको बोलना ये ट्रैक छोटा नहीं है, ये नहीं 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 छोटा तो बिल्कुल नहीं है, नहीं हो जाएगा अगर दिल में वीर जी श्रद्धा है ना तो ये ट्रैक। हमने ड्रोन से शूट किया है भाई, भाई रहे। 15 मिनट में हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट पे जहां से रूट डाइवर्ट होते हैं, दो रास्ते बनते हैं। और यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, अभी आर्मी वालों ने रोक रखा है। वो जो सामने वाला पुल है उस पे दो दो पांच पांच करके बंदे निकाल रहे हैं, ये देख लो इधर रोक रखा है और इधर आर्मी वाले लाइन लाइन से दो दो पाँच करके बंदे निकाल रहे हैं। भाई बन के आराम से भाई गुरु। और दस की गल सब ठीक है? संगत नहीं हो गया, इतने जाम लग गया, कोई नहीं, भीड़ बथेरी हो गई है। हेलो, भाई सेफ्टी होती है, ये गिरे अपना पैर में गिरे, अड्डी अड्डी लाओ, अड्डी अड्डी लाओ, अड्डी ओ वीरे ठीक है तू? आप लोग बन लगे तो नहीं, लगी तो नहीं, पिछवाड़ा ठीक है तेरा गिल्ला हुआ। तो काफी मशक्कत होने के बाद हमारी आर्मी वालों ने एक नया रास्ता बनाया इधर से, पहले ये वाला था एक, ये दूसरा बनाया और ये बढ़िया बना दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरे से।
यहाँ आके फिर एक लाइन हो गई। तो ये लास्ट छोटा सा बस एक पॉइंट और बचा है बस ग्लेशियर का, उसके बाद ग्लेशियर खत्म है, फिर नॉर्मल चढ़ाई शुरू हो जाएगी और बढ़िया रास्ता हो जाएगा। और अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे तो बस बाबा जी के दुआ से, और ये इंडियन आर्मी चलो भी चलो बस खत्म। तो फाइनली ग्लेशियर पॉइंट खत्म हो गया, अब नॉर्मल चढ़ाई शुरू हो गई, उतरना है अब। रास्ता लंबा नहीं पड़ गया, जाम लंबा पड़ गया। हाँ अब तक नीचे होते, बिल्कुल होते नीचे। अरे अच्छे अब तक नीचे होते यार, ये जाम ना मिलता तो भाई बहुत ज्यादा भीड़ मिल गई। बस सारी संगत ऊपर से एकदम से आ गई ना, टाइम बंद कर दिया सबको, चलो चलो इसलिए बहुत बुरा लग रहा। मैं नहीं आऊंगा ग्लेशियर खत्म करने के बाद यार एक और यहाँ पर फिर से छोटा सा एक ग्लेशियर आ गया। ये भी बहुत रिस्की ग्लेशियर है भाई, क्योंकि यहाँ पर भी ना सारे हाथ पकड़ पकड़ के ही निकाल रहे हैं और एक एक बंदे करके निकाल रहे हैं। इस चक्कर में ना सारी देखो कितनी सारी भीड़ लग चुकी है। अगर यहाँ क्योंकि पैर ना बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं यहाँ पर, अगर पैर ना फिसल रहे होते तो इतनी भीड़ नहीं लगती। अब ग्लेशियर है, नीचे खाई है तो वहाँ पर गिरने का डर है। तो आप सामने जैसे देख सकते हो कि आर्मी जवान है हमारे सारे एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं। पहले उन्हें निकाल रहे हैं जो लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको पहले निकाल रहे हैं। सो भाई हाँ उतरते उतरते हो गई है रात और अभी हम पहुँचे हैं छोटे वाले वाटरफॉल पर जो रास्ते में मैंने दिखाया था, और इसके आगे है बड़े वाले वाटरफॉल। और अंधेरा हो चुका है, सबकी फ्लैश लाइट जल चुकी हैं, आप देख सकते हो सब फ्लैश लाइट जला चुके हैं। सो गाइस अंधेरा होने के कारण इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक मोटिवेशन तो मिलता है भाई। सो बाय बाय, टेक केयर, आराम से आराम से मुकुल आराम से।